हाय एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए सैम्पल पेपर को डिस्कस करूंगी लास्ट वीडियो में हमने सेशन 2022-23 का सिलेबस डिस्कस किया था इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे पहला कि पेपर फॉर्मेट किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है कितने सेक्शंस में आपको क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे और दूसरा हम इसके साथ साथ मार्किंग स्कीम को भी समझेंगे सी हमेशा सैम्पल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी रिलीज करती है सो देट आई आप ये समझ सकें कि हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है आंसर्स में सो so, एक वो चीज़ हम समझेंगे कि हमें किस तरह से अगर क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है तो हमें आंसर किस तरह से फ्रेम करना है उसका और थर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही हैं, हैं तो सबसे पहले हम पेंटिंग का कोड जीरो फोर नाइन का सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं सो so, आप सबको पता है कि टोटल थर्टी मार्क्स का पेपर है टू आवर्स टाइम लिमिट है हमारी तीन सेक्शंस में पेपर आने वाला है सेक्शन वन रहेगा एम जिसमें एट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन मार्क के एंड सेक्शन बी रहेगा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जिसमें पांच क्वेश्चंस टोटल अटैम्प्ट हमको करने होंगे दो नंबर के और uh... इसमें इंटरनल चॉइस आपके पास होगा सेक्शन सी में भी आपको तीन क्वेश्चन आएंगे और दो जिसमें से अटैम्प्ट करने हैं और छः छः नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा अब सेक्शन ए पहले हम नज़र दें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सो so, पहला है वेयर डिड द मिनिएचर स्टाइल ओरिजिनेट इन राजस्थान एंड केप्ट इट्स औरिजिनेलिटी टिल द लास्ट सो एक सजेशन मैं यहाँ ये देना चाहूँगी बहुत से बच्चे ऑप्शन लिखाते हैं वन टू थ्री फोर सो आप आंसर साथ में लिख के जाएँ सो so, इसका आंसर है मेवाड़ बी uh, जो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिएचर पेंटिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बारह मासा बारह मासा होता है ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स पे जो बेस्ड पेंटिंग्स हैं कौन सी हैं मतलब बारह मासा और बेस्ड ऑन किसके ऊपर बनी हैं सो so, इसका आंसर इज ट्वेल्व मंथ्स पहाड़ी पेंटिंग्स मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई म्यूटेशन ऑफ विथ स्टाइल और स्कूल मतलब किस स्टाइल का मिक्सचर है पहाड़ी मुगल एंड राजस्थानी इन विच स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट रेस्टिटन मतलब इस पेंटिंग के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो किस उसमें लिखा गया है देवनागरी हिंदी उर्दू और पर्शियन सो आंसर इज देवनागरी इन द कम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको हाउ आर द एलिगेंट वीमेन प्लेस्ड मतलब इस पेंटिंग में जो वीमेन गई हैं जो बारात अटेंड कर रही हैं और गई हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट करी गई हैं सो आंसर इज सिटिंग ऑन एलिफेंट यहाँ पर भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं पालकी और एलिफेंट्स के बीच में सो so ध्यान रखिएगा

द पेंटिंग कबीर एंड रायदास हैज़ विच काइंड ऑफ कलर स्कीम यह भी बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो शायद आपके टीचर्स ने भी बहुत बड़ी आपको पेपर में डाला होगा सो द आंसर इज मोनो क्रोम बिफोर मिनीचर पेंटिंग द मैन्यूस्क्र पेंटिंग व डर्न ओन मिनीचर स्कूल जो आपने देखे हैं उनमें बनने से पहले जो मैनस्कृत uh, पेंटिंग्स थी वो किस पे बनी है सो आंसर इज पाम लीव्स जो आपने पाल स्कूल जैन स्कूल के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रखी होगी सो uh, so अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे हालांकि सीबीएसई ने यहाँ लिखा है कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ एक्सपेक्टेड इन अराउंड हंड्रेड वर्ड्स लेकिन बच्चा अगर इसमें uh, आपका इससे ज़्यादा भी लेंथ बन जाती है तो ये मत सोचना कि आपके मार्क्स कटेंगे So, first question is The extreme devotion of the disciple towards his mentor, teacher, guru is very sacred and goes beyond the boundaries of greed and monetary gains. Identify and describe the painting from Deccan School, showing this feature in an artistic and simple composition. So इसमें ये पूछा गया है कि ये कौन से डेकिन की कोई एक पेंटिंग बताओ जो इसके ऊपर बेस्ड है सो so, आपको पता है कि डिसाइपल और गुरु के बीच की पेंटिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो सो so, यहाँ आपको वो एक्सप्लेन करके जानी है सो so, इसमें वन मार्क रहेगा आपका आर्टवर्क पहचानने का और सब स्कूल लिखने का और वन मार्क आपका रहेगा उसकी कॉम्पोजिशन बताने का या डिस्क्रिप्शन देने का इसी में आपको ऑप्शन uh, दी गई है और करके पूछा गया है द प्रॉस्परस एंड कल्चरल रिफाइंड डेक इन स्कूल वॉर सक्सेसफुल इन रिप्रेजेंटिंग विमेन एज ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन सो कौन सी पेंटिंग है जो विमेन के ऊपर बेस्ड भी है और स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बेस्ड भी है सो so, आपको क्लियर होगा होगा कि चांद बीबी प्लेइंग पोलो हो सो यहाँ पर उस पेंटिंग के बारे में लिखना है और इसका भी आर्ट वर्क और स्कूल के वन मार्क रहेगा और डिस्क्रिप्शन और कॉम्पोजिशन का वन मार्क रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फेमस आर्टिस्ट

बिलो मेंशन पेंटिंग सो इसमें दो आपको दी हैं दोनों में से एक करनी है एक पूछी है कृष्णा विद गोपिस दूसरी पूछी है नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन सो so, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं इसमें भी डिपिक्शन ऑफ द थीम आ गया वन मार्क का और डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने पूछी है वो वन मार्क की आ गई सो so, इसमें आप डिटेल में लिख के जा सकते हैं कि किस तरह से कृष्णा का रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से सराउंडिंग्स दी गई हैं बाकी फिगर्स या कॉस्ट्यूम किस तरह से दिखाए गए हैं Next question is, unity is strength.

स्कल्टर फॉर वन मार्क एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पोजिशन एंड टेक्निकॉर वन मार्क सो इसी में ही नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है थ्रू लाइट ऑन द ग्राफिक प्रिंट इंक्लूडेड इन योर कोर्स विच रिप्रेजेंट द पेन एंड एग्नी ऑफ अ फीमेल हु इज लेफ्ट अलोन सराउंडेड विथ पॉवर्टी सो एक फीमेल जिसके ऊपर ग्राफिक प्रिंट बनाया गया है डिस्क्राइब दिस प्रिंट बेस्ड ऑन इट्स अस्थेटिक पैरामीटर सो so, अकेला एक फीमेल पे जो बनाया गया है वो ऑफ वॉल्स ही है नेम ऑफ द प्रिंट एंड प्रिंट मेकर वन मार्क डिस्क्रिप्शन एंड एस्थेटिक पैरामीटर फॉर वन मार्क एस्थेटिक होता है कि आपको आ, उसको एस्थेटिकली चाहे आप एलिमेंट्स या प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उस ग्राफिक प्रिंट को आप आ, उसका लिख के जाएंगे या अप्रिसिएशन दे के जाएंगे या किस तरह से कलर्स लाइन्स और कॉम्पोजिशन को अरेंज किया गया है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द इमोशंस विच आर डोमिनेंट इन द आर्ट वर्क मेड बाय द आर्टिस्ट मैंशन बिलो विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ कलर एंड टेक्निक। राजा रवि वर्मा की यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी एक पेंटिंग जिसमें जिस तरह से मतलब इमोशंस दिखाई गई हैं और इस आर्टिस्ट की कौन सी ऐसी पेंटिंग है और उसमें कौन सी इमोशन जो है वो डोमिनेट होकर उस आर्ट वर्क में दिखाई गई है वो आप बताएं और साथ साथ उसके कलर्स और टेक्निक को भी एक्सप्लेन करके जाएं सो नेम ऑफ द आर्ट वर्क जो आपके आपके कोर्स में होगा उसका नाम लिखना है एंड उसके साथ जो इमोशन उसका अटैच्ड है अब इसमें आपको पता है कि रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन आप पेंटिंग डिस्कस करके जाएंगे और कौन से थीम के ऊपर है मतलब किस इमोशन को यहाँ टच किया गया है वो भी आप लिख के जाएंगे और उसमें फिर आगे कॉम्पोजिशनल और टेक्निक के वन मार्क हैं इसी में ऑप्शन अगला दिया गया है आइडेंटिफाई एंड एप्रिशिएट द इमोशंस विच आर डोमिनेट इन द आर्टवर्क सेम मतलब क्वेश्चन सेम है नीचे दो ऑप्शन्स दी गई हैं पहला है राजा रवि वर्मा और अभिनिंद्रनाथ टैगोर सो so, अभिनिंद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड हैं राजा रवि वर्मा के आपके पास जो सिलेबस में है वो है रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन सो इन दोनों पेंटिंग्स में से कोई भी आप लिख के जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज

उसको जस्टिफाई करें अब इसमें भी आपके दो नंबर का ये जो क्वेश्चन है पहला आएगा आर्टिस्ट आर्टिस्ट uh, का नाम और आर्टिस्टिक जस्टिफिकेशन सीबीएसई ने पूछा है वो वन मार्क का रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट वन मार्क का रहेगा अब इसमें जो की पॉइंट्स वो सजेस्ट uh, कर रहे हैं वो जैसे एब्स्ट्रैक्ट फिगर है मदर टेरेसा की बोल्ड लाइन्स है ब्लू बॉर्डर है हॉलो फेसेस हैं लव कम्पैशन केयर मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट एज वेल बैलेंस कॉम्पोजिशन सो ये सब पॉइंट्स आप कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट में लिख के जा सकते हैं तो सेम वे जो मदर एंड चाइल्ड का था उसमें भी फोक थीम के ऊपर आप रोशनी डाल सकते हैं या बोल्ड लाइन्स के बारे में अर्दी कलर इलॉन्गेटेड आइज कम्पैशन एंड केयर मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड सिंपल मोटिवस यूज ऑफ त्रिभंग पोज वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन सो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आप उस कॉम्पोजिशन में लिख के जा सकते हैं सो so अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ सेक्शन सी में आपको तीन क्वेश्चन रहेंगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उसमें से आपको दो अटेम्प्ट करने हैं टू हंड्रेड वर्ड्स इन्होंने बोला है लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये थोड़े से लेंदी हैं मुझे नहीं लगता कि हम टू हंड्रेड वर्ड्स में आंसर लिख पाएंगे एक बारी आप भी देखें फर्स्ट uh, क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स हैव सक्सेसफुली शो केस्ड द फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनिमल्स बाय मेन एंड वुमेन फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी वन पेंटिंग हैविंग दिस एज इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू अब पूछा क्या गया है नेम ऑफ द पेंटिंग एंड इट्स आर्टिस्ट सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि पेंटिंग कैस करें कौन सी है और उसका आर्टिस्ट कौन सा है दूसरा इन्होंने पूछा है कि उसका सब स्कूल लिखें मीडियम और टेक्निक लिखें तीसरा पूछा है कि उसका सब्जेक्ट मैटर लिख के जाएं और चौथा पूछा है कि उसका कॉम्पोजिशनल अरेन्जमेंट लिख के जाए so, जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से ही आपने ये आंसर्स लिख के जाने हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर तो सबसे पहले आप पेंटिंग का नाम फिर आप लिखेंगे सब स्कूल मीडियम एंड टेक्निक फिर आप सब्जेक्ट मैटर और फिर आप कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट सो मुझे लगता है कि ये 200 हंड्रेड वर्ड क्रॉस कर सकता है ये आंसर नेक्स्ट है आंसर ये मारू uh, रागिनी और चौगन प्लेयर मतलब ये जो ऑप्शन uh, मतलब आंसर जो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की सो so, राजस्थानी में ये दो पेंटिंग्स हैं जिसपे एनिमल्स दिखाए गए हैं मारू रागिनी में भी दिखा है और चौगन प्लेयर में भी दिखा है सो so, आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने आर्ट वर्क और आर्टिस्ट का वन मार्क दिया है सब स्कूल मीडियम टेक्निक वन मार्क है जब आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर लिख के जा रहे हैं उसको दो नंबर अलॉट किए गए हैं और जब फिजिकल फीचर्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट और इन सब के टू मार्क्स उन्होंने दिए हैं सो so, आपको डिटेल में मारू रागिनी और चौगन प्लेयर जो भी पेंटिंग आपको आती है आप इसमें लिख के जा सकते हैं नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है वी सी दैट द आर्टिस्ट ऑफ मिनिएचर स्कूल ऑफ मुगल एंड प्रोविंशियल पीरियड वर स्किल्ड इन मेकिंग पेंटिंग्स विच डिपिक्टेड टू मेनी फिगर्स इन वन पेंटिंग कॉम्प्लीमेंटेड बाई मेन फिगर गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस एंड स्टैंड आउट एडमिस द क्राउड अराउंड इट आइडेंटिफाई एनी वन रेलिवेंट पेंटिंग फ्रॉम मुगल और प्रोविंशियल पीरियड फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी कम्प्राइजिंग द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाई डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स अब इसमें कौन सी पेंटिंग आएगी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना और दाराशिको दाराशिको प्रोविंशियल की आ गई और कृष्णा लिफ्टिंग आ गई जो मुगल की स्टार्टिंग की आप पेंटिंग कह सकते हैं सो दोनों ही क्राउडी कॉम्पोजिशन है दोनों में ही मेन फिगर के सराउंडिंग्स में खूब सारी फिगर्स हैं अब इसमें आर्ट वर्क और आर्टिस्ट का वन नंबर सब स्कूल मीडियम टेक्निक का वन मार्क डिस्क्रिप्शन और सब्जेक्ट मैटर के टू मार्क्स जस्टिफिकेशन इन ऑन ओन वर्ड्स उसके दो नंबर सो इन पेंटिंग्स के बारे में आप जिस तरह से बैकग्राउंड फोरग्राउंड फिगर्स कॉस्ट्यूम कलर्स एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द पेंटिंग ये सब आप इसमें लिख के जा सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट एंड एस से द रिवाइवलिज्म ऑफ इंडियन आर्ट ड्यूरिंग मिड ट्वेंटियथ सेंचुरी योर आंसर शुड इंक्लूड अब ये इन्होंने खुद पूछा है कि एक तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड इट्स रोल इन प्रोमोटिंग द स्परिट ऑफ नेशनलिज्म सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला है द रोल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट वर्ड फ्रीडम मूवमेंट एंड तीसरा इन्होंने बोला है सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ आर नेशनल फ्लैग अब आप खुद देखें कि ये दो मतलब मुझे नहीं लगता कि 200 वर्ड्स में हम बंगाल भी डिस्कस कर लेंगे हम नेशनलिज्म की बात भी कर लेंगे हम इंडियन आर्टिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट रहा है फ्रीडम मूवमेंट में वो भी डिस्कस कर लेंगे और नेशनल फ्लैग को भी डिस्कस कर लेंगे सो so बच्चा ये बहुत ध्यान से आप सबसे पहले अपने नोट्स बना लें क्योंकि बंगाल और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट हर सैम्पल पेपर में इस बार पूछा गया है सो so, इनके एक नोट्स बना के रख लें सो so दैट आपको अगर लेंदी में सिक्स मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक तीन चार पेजेस का आंसर पहले से ही तैयार हो और आप अगर उस तरह से उस वक्त लिख आएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अदरवाइज ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और फिर से मैं कह रही हूँ कि उस चक्कर में मत पढ़ना कि टू वर्ड्स में ही आपको लिख के जाना है आप उससे ज़्यादा भी करके जा सकते हैं सो इसमें अभिनिंद्रा टैगोर ई बी हैवल आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल द कोर्स फॉर्मेशन ऑफ़ आर्ट कॉलेज इंडियन रिवाइवलिज्म ये सब सी बी एस ई ने की पॉइंट्स दिए हैं कि वॉश टेक्निक के बारे में आप लिख के जा सकते हैं कनेक्टिंग आर्ट विद मासज यूज़ ऑफ़ प्रिंटिंग प्रेस फोक थीम सो uh, so, आप इन चीज़ों मतलब आपकी बुक्स में जो जो डिस्क्रिप्शन के अंडर आपको आता है आप वो सब लिख के जा सकते हैं तो जो इसकी मार्किंग स्कीम है वो ये है कि नेम आर्ट वर्क आर्टिस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल हमें दो नंबर का रहा रोल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन गेनिंग फ्रीडम टू मार्क्स का रहा सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ फ्लैग एंड कलर टू मार्क्स का डिवीज़न हुआ है सो so, इस तरह से आपको ये आंसर लिख के जाना है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेंटिंग सैम्पल पेपर सो नेक्स्ट हम अप्लाइड आर्ट ग्राफिक और स्कल्पचर्स का वन बाय वन डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच